नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम बिना रुके बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर चारों तरफ पड़ रहा है। रसोई गैस हो या खाने का तेल या फिर सब्जियां, पेट से लेके जेब तक सब पर महंगाई का असर पड़ रहा है। त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही महंगाई भी चरम पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल से लेकर राशन तक सब जगह महंगाई की मार दिखाई दे रही है। अक्टूबर के महीने में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। बढ़ी हुई दरों में 13 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लागू की गई है। इससे पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 2 अक्टूबर के दाम बढ़ाए थे। दिल्ली में सीएनजी 2.28 यानी कि 2.28 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई थी और पीएनजी 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से महंगी हुई थी। वहीं 12 दिन पहले भी सीएनजी की दर में इतनी ही वृद्धि की गई थी। इसके अलावा 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35 से 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि पेट्रोल भी 35 पैसे महंगा हो गया है और डीजल भी 35 पैसे के साथ महंगा हो गया है। बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमत में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के चलते क्योंकि फसलें खराब हो गई, बाढ़ देखने को मिली, इस वजह से सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर भी पड़ा है। लगातार बारिश के चलते सब्जियां खेतों में ही खराब हो गई। सब्जी के व्यापारियों से जुड़े लोगों का मानना है कि इसमें अभी कोई गिरावट नहीं आने वाली है। एक तरफ जहां डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतों में भी आग लग चुकी है। पिछले एक सप्ताह में कई बार दाम बढ़े चीजों के। वहीं बात करें सब्जियों की कीमत की, तो पिछले एक सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह तकरीबन 1.5 गुनी हो चुकी है सब्जियां। कई सब्जियों के दाम तो 2 गुना तक बढ़ गए हैं। लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम लोगों के किचन का बजट प्रभावित हो गया है। तो हर चीज महंगी होती नजर आ रही है। अगर पहले के मुकाबले तुलना भी करी जाए तो काफी फर्क देखने को मिला है। वहीं 30 दिनों में इन सब्जियों में काफी फर्क देखने को मिला है। जहां मटर 150 रुपए प्रति किलो इस वक्त बिक रही है, तो वहीं पहले ये 80 से 100 रुपए प्रति किलो थी। टमाटर की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो, 30 से 40 के दाम पर ये पहले बिक रहा था। आने वाले समय में सहालक है, त्योहारी सीजन है, तमाम चीजों को देखते हुए महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के रेट में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन का ब्रेक लगा था, उसके बाद से लगातार बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 25 से 35 पैसे तक बढ़ोतरी हो रही है लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में। अगर सीएनजी की बात करी जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, कहां से वो अपनी महंगाई की मार को झेल रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना का कहर देखने को मिला, लोग बेरोजगार हो गए, जमा पूंजी सारी लॉकडाउन में खत्म हो गई, वहीं अभी तक ये मार देखने को मिल रही है। महंगाई की मार अभी भी जनता के सामने है। सरकार तो अपना बजट और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से लाने के लिए टैक्स लगा रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है कि जनता आगे बढ़ सके, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के चक्कर में जनता पे मार पड़ रही है। जनता की जेब पे जो मार पड़ रही है वो सीधा गरीब इंसान की कमर तोड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल डलाना हर उस इंसान की मजबूरी है जो घर से बाहर निकलता है, अपने काम पर जाता है। गैस भरवाना हर उस इंसान की जरूरत है जो खाना पकाने के लिए घर में चूल्हे का इस्तेमाल करता है, गैस सिलेंडर का प्रयोग करता है। हर वो इंसान इन चीजों का उपयोग करता है, क्योंकि ये आजकल दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। बात करें गैस की, सिलेंडर की, पेट्रोल की, सीएनजी की, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि ये रोज इंसान यूज करते हैं और लोगों को अब महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं और वैसे ही उसका सीधा असर बाकी चीजों पे बढ़ता है, क्योंकि हर चीज में भाड़ा जरूर लगता है और जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो भाड़ा भी बढ़ने लग गया है। तो भाड़े की वजह से सब चीज, चाहे वो सब्जी हो, राशन हो, खाने का तेल हो, कोई भी चीज हो, सब में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं इस पर विपक्ष भी सरकार को अपने निशानों पर लेता है। लगातार महंगाई का जो भांडा है वो सरकार के सिर पर फोड़ा जाता है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से लाने के लिए सरकार भी
लगातार कई चीजों में टैक्स बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के सचिव प्रणब झा ने इस बार में कहा था कि महंगाई के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा था कि जेब खाली, पेट खाली, गाड़ी की टंकी खाली, लेकिन केंद्र सरकार कहेंगे बताओ ताली। महंगाई अब आसमान से ऊपर चली गई है। पेट्रोल डीजल के दाम ही अगर कम कर दे तो उससे भी बहुत राहत मिलेगी। सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे, दाल की कीमत कम हो जाएगी, तेल की कीमत कम हो जाएगी। तो कांग्रेस ने भी सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार तो लगातार टैक्स बढ़ाती ही रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही तेल महंगा होता है केंद्र सरकार बढ़ा देती है, वैसे ही राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है जिसका असर सीधा आम जनता पर जाता है। और आम जनता ये मांग करती है, लगातार इस उम्मीद में रहती है कि सरकार कुछ ना कुछ कमी लेकर आएंगे इन सब चीजों में ताकि महंगाई कम होगी, क्योंकि सीधा सर पेट्रोल डीजल का महंगाई पे जाता है, हर चीज पे जाता है। धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ रही है, हर युग में देखा गया है, हर समय देखा गया है कि महंगाई रही है, चाहे वो कोई भी समय हो, किसी की भी सत्ता हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन महंगाई देखने को मिली है। तो हर विपक्षी पार्टी यही कहती है कि महंगाई बढ़ रही है, सरकार महंगाई ला रही है, लेकिन समय की मांग भी होती है महंगाई, क्योंकि हर चीज बढ़ रही है, हर इंसान कमाने आ रहा है आगे, तो हर किसी को पैसा चाहिए। पैसा कैसे मिलेगा जब चीजों के दाम बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे महंगाई बढ़ेगी। तो चीजें महंगी होने से कुछ लोगों को फायदा भी होता है, अर्थव्यवस्था में भी फायदा होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। सबसे ज्यादा नुकसान होता है मध्यम वर्गीय और गरीब इंसान को। जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों को इस चीज का सबसे ज्यादा भार झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रोज कमाना है, उनकी आमदनी तो उतनी ही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल आम जनता जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन लोगों को काफी प्रभावित करती है। तो महंगाई चारों तरफ से है, सिर्फ महंगाई पेट्रोल डीजल राशन पे ही नहीं रुकती है, अलग अलग क्षेत्रों में भी महंगाई देखने को मिल रही है। बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो बच्चों की पढ़ाई भी लगातार महंगी हो रही है। स्कूल फीस हो, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म हो, बच्चों की स्टेशनरी सामान हो, बैग हो, बुक्स हो, या फिर कोई भी तमाम चीजें हो, ट्यूशन फीस हो, हर चीज बढ़ रही है, तो हर चीज महंगी हो रही है। और महंगाई के मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री दिलीप यशवर्धन जी। तो उनसे जानेंगे कि महंगाई के बारे में उनकी क्या राय है, और इसके साथ ही हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव जी, और हम दोनों का जोरदार स्वागत करते हैं और आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अश्विनी त्रिवेदी भी हमारे संवाददाता पेट्रोल पंप से जुड़े हुए हैं। तो कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि पेट्रोल की जिस तरह से बढ़ रहा है, डीजल जिस तरह से बढ़ रहा है, और इसका असर जो हर चीज पे पड़ रहा है, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उससे आम जनता क्या महसूस करती है। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे दिलीप यशवर्धन जी का। दिलीप यशवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर आपका क्या कहना है, क्या महंगाई का बढ़ना सही है, क्या ये आम जनता को अब प्रभावित नहीं कर रहा है, आम जनता इसकी आदि हो चुकी है, आपका क्या कहना है? देखिए, अर्थव्यवस्था को संभालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप महंगाई बढ़ा करके आम जनता की जेब काटें। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर सरकार के खजाने में भी बराबर का रेवेन्यू जाए लेकिन जनता के ऊपर उसका बोझ ना पड़ने पाए। जी, सरकार को चलाने के लिए सरकार के खजाने में पैसा आना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जनता के द्वारा ही होता है, लेकिन इस देश में दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग बहुत कम है, और सरकारें या राजनीतिक पार्टियां इस बात पर अपनी पीठ थपाती है कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट दिया। जी। जिस देश में 135 करोड़ की जनता हो, वहां पर 80 करोड़ जनता अगर मुफ्त के राशन पे पलेगी, तो
तो उस देश की इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सकती है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। और जब 80 करोड़ रुपया फ्री राशन लेगी तो उस फ्री राशन की कॉस्ट का बोझा तो बाकी की जनता पर ही पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगा। तो सरकारें कभी भी अपने खजाने पर फर्क नहीं पड़ने देती हैं, उनके खजाने से जो भी फ्री के नाम पर निकलता है उस फ्री को देने की जो रिकवरी होती है वो आम टैक्स पेयर से होती है, आम जनता से होती है। लेकिन ये एक बड़ा कैलकुलेशन है सिखा जी, इसको समझने की जरूरत है कि वो जनता जो जाति के नाम पर या अन्य चीजों के नाम पर सरकार से फ्री राशन या फ्री पैसा ले रही है उसका भुगतान उसको भी कहीं ना कहीं करना पड़ता है, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं है। लेकिन उनके ऊपर बहुत छोटा सा बर्डन पड़ता है, लेकिन जो मिडिल क्लास की जनता है, मिडिल क्लास की जनता है के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन पड़ता है। और स्पेशली मिडिल क्लास की वो जनता जो सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, टाइम टू टाइम अपने कर्मचारियों का डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता कहा जाता है, वो बढ़ाती रहती है, चीजों की कॉस्ट बढ़ती रहती है। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी में है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो छोटा बिजनेसमैन है, जो मिजला बिजनेसमैन है, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी दिन पर दिन घटती चली जा रही है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई भी व्यापारी है तो वो एक ही चीज का सेलर हो सकता है, दो चीज का सेलर हो सकता है, बाकी चीजों के तो वो भी बायर है, वो भी अपने जरूरत रोजमर्रा की चीजें कहीं ना कहीं से खरीदने जाता है। तो उसको अपने सेलिंग पॉइंट से जो प्रॉफिट नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा भुगतान उसको परचेजिंग पॉइंट पर देना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, ये सरकार को सोचने की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल का एक ऐसा मात्र साधन है जिसके दाम बढ़ने से आपसे आगे भी सवाल लेंगे। अब हम जुड़ते हैं गौरव जी से। गौरव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में सहालक है और अभी बारिश का भी असर पड़ा है, तो कैसी मार पड़ रही है जनता को, क्या सब्जियां खाना बंद कर दे लोग? देखिए, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी पिपली लाइव, उसका एक गाना था, सखी सैया तो खूबी कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये पंक्तियां हैं गाने की बिल्कुल सही बैठती हैं। जिस तरह के समय में आज महंगाई सर उठा रही है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जो सामान्य वर्ग है पूरी तरह टूट चुका है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और सब्जी कीमत बढ़ी है, चाहे खाद्य तेल की बात करें, चाहे आप कड़वे तेल की बात करें, चाहे रिफाइंड की बात करें, चाहे मटर की बात करें, चाहे टमाटर की बात करें, जो टमाटर की बात, हम सब्जी की बात ले लें, जो टमाटर महज कुछ हफ्ते भर पहले 20 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, बाय 80 रुपए किलो बिक रहा है। कोई नीति नहीं है, कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। अभी आपको बता दूँ, आपको कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि खाद्य नीति पर लगाम लगाई जाए और खाद्य एक नीति बनाई जाए जिससे कि जमाखोरी बंद की जा सके, और जमाखोरी का ही कारण होता है। देखिए, सरकार तो रेट बढ़ा, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, जैसे माल भाड़ा भी बढ़ा है, तमाम चीजें हैं। जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उसका असर सारी चीजों पर बैठता है, चाहे खाद्य की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, चाहे माल भाड़े की बात हो, या अन्य जो दिनचर्या जो हमारी जरूरी वस्तुएं हैं उनकी बात हो। पर कहीं ना कहीं सरकार को एक नीति बनानी चाहिए जमाखोरी के खिलाफ, जहां मानना है कि जमाखोरी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है इस महंगाई का, इस पे भी सरकार को विशेष ध्यान भी देना है, जिससे आम जनता जो जिसकी तनख्वाह बहुत कम है, जिनकी जो बहुत कम तनख्वाह में गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए आज के समय में खाद्य तेल उपयोग कर पाना, सब्जी को उपयोग कर पाना, दाल ले पाना बिल्कुल असंभव सा हो गया है और गृहस्थी चलाना कठिन है। अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, जो हमारे से संवाददाता ग्राउंड से जुड़े हुए सड़कों पर मौजूद है, अश्विनी क्या हाल है इस वक्त? जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं, तो कितनी भीड़ देखने को मिल रही है पहले की तुलना में पेट्रोल पंप्स पे? आपको बता दें, लगातार अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल बहुत ही अहम होता है आम जनजीवन को चलाने के लिए। और अगर पेट्रोल की बात की जाए, पेट्रोल 101.88 रुपए में, अगर वही डीजल की बात की जाए तो 93.94 रुपए में डीजल है। और जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता है, और जब आने जाने का भाड़ा महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, तो उससे उस महंगाई का असर सभी चीजों पर पड़ता है। अभी हम पेट्रोल पंप पे मौजूद है, हमारे पीछे आप देख रहे थे, जो पेट्रोल बनाने पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं कि महंगाई का कितना ज्यादा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। आपकी आवाज
आवाज हमारे पास बिल्कुल नहीं आ रही है, तो अब हम गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी, आप अपनी बात पूरी करिए, किस तरह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और खाना खाना सबसे ज्यादा महंगा कैसे हो गया है? जिसका मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से जो नीति है सरकार की, सरकार काम कर रही है। अभी आपको बता दूं, कुछ समय पहले जीएसटी काउंसिल की पैंतीसवीं बैठक यहाँ पर लखनऊ में आयोजित हुई थी, जिसमें हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई थी और तमाम अधिकारियों से यहाँ बैठक की गई थी। माना जा रहा था कि जो पेट्रोल डीजल है उसको जीएसटी में लाया जाएगा, उससे जनता को बहुत कुछ राहत मिलेगी। पर इस बैठक के बाद भी वही होता है, ढाक के तीन बात, कोई राहत नहीं दी गई, कोई व्यवस्था नहीं की गई और आम जनता भाई जस की तस पड़ी हुई है और पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और जिसका असर खाद्य पदार्थों से लेकर हर चीज पर पड़ रहा है और आम जनता परेशान है। तो हम एक बार फिर से चलते हैं अश्विनी के पास और उनसे जानते हैं कि जनता की क्या राय है। तो अश्विनी, जनता से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो पेट्रोल पहले की तरह ही भरवा पा रहे हैं, क्या टंकी फुल करवा पा रहे हैं और अब कितना फर्क आ गया पहले की तुलना में पेट्रोल भरवाने के लिए? बहुत ज्यादा देखिए असर देखने को मिल रहा है, 100 रुपए के पार। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं जो है पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों से किस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? महंगाई की अगर बात की जाए, महंगाई लगातार बढ़ रही है। कहने की क्या बात है? जी बिल्कुल, जनता की समस्याओं को हमारा संवाद सही से नहीं हो पा रहा है और अब हम एक बार फिर गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से बच्चों की स्कूल की फीस भी महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं स्कूल की फीस जो महंगी हो रही है उस पे क्या कहेंगे? जब से कोरोना आया था, कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन रहा, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई थी, इसमें कोई संशय नहीं है और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। पर प्रयास के साथ साथ कुछ नीतियों की भी आवश्यकता है, जिन नीतियों के माध्यम से आम जनता को इस महंगाई की कुचक्कर से बचाया जा सके। मैं आपको बताऊँ, जैसे फीस की बात हो रही है तो स्कूल में कई लोग फीस ले रहे हैं, तमाम चीज़ें सुविधाएँ नहीं दे रही है, कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, तो जहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी तो वहाँ पर फीस का जो दायरा था या फीस का जो आंकड़ा था उसको कम किया जा सकता था, पर कोई कम नहीं किया गया, कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई। अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की, अगर हम गैस की बात करें, गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो सब्सिडी एक समय गैस आपके लगभग 700 रुपये की थी और 250 से 300 रुपये सब्सिडी इसमें आती थी, तो गैस सिलेंडर आम आदमी को 400-450 का पड़ जाता था, पर इस समय सब्सिडी जो है वो मात्र 33 रुपये आ रही है और सुनने में आया कि सरकार उस सब्सिडी को भी हटाने का प्रयास कर रही है। तो मान लीजिए कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में गैस सिलेंडर लगभग आपको 1000 रुपये का मिलेगा। तो जिस तरह से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, रसोई में अहम भूमिका है गैस के, बिना गैस के काम नहीं चलना है, खासतौर शहरी अर्बन क्षेत्रों की बात करें, और अब तो ग्रामीणों में भी उनकी योजना चली थी प्रधानमंत्री जी की कि उज्ज्वला योजना है, वहाँ भी सिलेंडर दिए गए, कैसे आदमी गैस भराएगा, कैसे, साधन नहीं है, कोई आय नहीं है, कोरोना के कारण तमाम चीज़ें हैं डिस्टर्ब हो चुकी हैं, उद्योग धंधे भी कगार पर हैं, केवल महज जैसा कि हर्षवर्धन जी सिलेंडर मुहैया कराने की सुविधा देना चाहती है सरकार उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर देने से क्या काम हो गया सरकार का? क्या गरीब इंसान जो खा नहीं सकता है, एक वक्त के खाने के लिए कमाने जाता है, वो क्या गैस भरवा पाएगा? सरकार इस तरफ कब ध्यान देगी? बिल्कुल शिखा जी, मैंने आपको बताया कि कई करोड़ सिलेंडर दिए गए हैं, लगभग 203 करोड़ सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बांटे गए हैं, पर प्रश्न वही है उनको भरवाया कैसे जाए, जो जिस तरह से गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न इसलिए है क्योंकि जिस तरह
से केस बढ़ रहे हैं, सब्सिडी भी खत्म की जा सकती है, ऐसा भी सुनने में आया है, सूत्र बताते हैं, तो कैसे आम आदमी 1000 रुपए का गैस सिलेंडर भरवाएगा, खाद्य तेल कैसे लेगा, जो रिफाइंड महज 6 महीने पहले 90 से 100 रुपए का मिल रहा था, आज वही रिफाइंड 155-160 रुपए का मिल रहा है, कैसे किया जाए, क्या कमी रही, आयात नीति खराब रही कि निर्यात नीति खराब रही कि भंडारण नीति खराब रही, ये तो फिलहाल सरकार ही बता पाएगी, नीतियां बनानी पड़ेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा जब तक नीतियां नहीं बनाएंगे तब तक इस पर अंकुश लगा जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था जो डाउन हुई थी उसको देखते सरकार द्वारा लगातार टैक्सेस को लेकर परिवर्तन किए जाते रहे, किस तरह से जो घाटा हुआ है उसको पूरा किया जा सके। अभी दिलीप जी ने कहा कि जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है तो बिल्कुल सही बात है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो पात्र हो उसको ही राशन पहुंचे, अपात्र भी राशन ले रहे हैं और सरकार की जो ना फायदा उठा रहे हैं। तो वही मैंने बात कही कि कुछ नीति चाहिए, चाहे वो सब जमाखोरी की नीति हो, चाहे वो मंडी परिषद की नीति हो, चाहे वो पेट्रोल नियंत्रण की नीति हो, कुछ नीतियों पर विचार करने होता है, नीति के माध्यम से ही आम जनता को राहत दे सकते हैं, नहीं तो ये महंगाई आगे आने समय में और मुंह उठाएगी। जी के पास और ये जानेंगे और चर्चा करेंगे सबसे पहले कि आखिर पेट्रोल और डीजल महंगा कैसे होता है, सीएनजी पीएनजी के बारे में भी जानते हैं। दिलीप जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सब चीजें महंगी कैसे होती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब इनका रेट बढ़ता है तो केंद्र और राज्य द्वारा इनके मूल्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। शिखा जी, जो पेट्रोल और डीजल के दाम है ये इंटरनेशनल मार्केट पर इंटरनेशनल रेट के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करते हैं जी। लेकिन इसको कंट्रोल कर पाने के लिए सरकार सक्षम होती है, क्योंकि जब हमारा इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट होने तक उसके रेट्स पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो जो इंटरनेशनल मार्केट में होगा वही हमारे देश को भी बियर करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में आ जाने के बाद जो कस्टम एक्साइज और वैट उस पर लगाया जाता है ये कंट्रोल करना सरकार के हाथ में होता है, सिर्फ जो सरकार लगाती है ये कंट्रोल करना सरकार के हाथ में होता है, क्योंकि ये हमारी इंटरनल पॉलिसी होती है। हम अगर जब हमारे इंटरनेशनल रेट्स में रेट्स बढ़ते हैं तो सरकार यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती है, लेकिन जब इंटरनेशनल रेट घटते हैं तो सरकार रेट घटाती नहीं है उस रेशियो में, वो अपना जो इंटरनल टैक्सेशन है उसको वही रखती है बल्कि और बढ़ा देती है। और ये बातें शायद आम जनता की समझ में नहीं आती हैं, जो स्टेट है उसको वैट इम्पोज करने की पावर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ता देना चाहती है तो वो जो वैट लगाती है, वैट इम्पोज करती है, उस वैट का रेट कम कर सकती है अकॉर्डिंगली, बट जो जो इंडियन टैक्स रेट हैं उन टैक्स रेट में सरकार अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल रेट कभी भी चेंज नहीं करती है, कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं लाती बल्कि बढ़ाती है, घटाती कभी नहीं है। तो सरकार अगर चाहे तो ये इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन को अपने इंटरनल टैक्सेशन के रेट से मेंटेन करके सरकार जनता को राहत दे सकती है। तो जिस तरह से यशवर्धन जी आपने कहा कि हमेशा महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती है, और कोरोना काल में भी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसे संभालने के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ाए ही है और आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोग बेरोजगार हो गए, जमा पूंजी खत्म हो गई, तो लेकिन एक आशा में थे लोग कि किसी ना किसी दिन ये महंगाई कम होगी, रेट नीचे आएंगे, लेकिन इस तरह का देखने को नहीं मिला। शिखा जी, सरकार टैक्स इसलिए बढ़ाती क्योंकि सरकार को टैक्स के पैसे से वोट खरीदना होता है, ये जो लोअर जनता है 80 करोड़ जिनको राशन दिया जा रहा है, ये राशन उनके पेट भरने के लिए दिया जा रहा है, ये एक प्रत्यक्ष दिखावा है, लेकिन अप्रत्यक्ष जो उसके पीछे उद्देश्य है वो ये कि उसे वोट खरीदा जाए। सरकार को आम जनता का जो टैक्स का पैसा जाता है लगभग 50,000 से 1,00,000 रुपए में एक वोट सरकार खरीदती है, और आप आयरनी देखिए, स्थिति में मिडिल क्लास की बात हमेशा करता हूँ और मैं फिर कहूंगा मिडिल क्लास के लिए कि सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है, जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है वो अच्छी नहीं है, हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो सरकार उस लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी हमसे जीएसटी चार्ज कर लेती है, हम अगर अपनी मेडिकल सुरक्षा के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खुद खरीदते हैं तो उस मेडिक्लेम पॉलिसी पे भी हमको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। मतलब एक तो सरकार हमको सुविधाएं देती नहीं है और हम सुविधाओं को खुद से अवेल करना चाहते हैं तो सरकार हमसे टैक्स अलग से ले लेती है, और ये सारा टैक्सेशन का खेल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट खरीदने के लिए है, क्योंकि जनता का कल्याण अगर होना होता तो सरकार के पास, सरकार के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा या तो जातिगत राजनीति के चलते, जातिगत स्कीमों के चलते जा रहा है, या गरीबी उन्मूलन के नाम पर जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के नाम पर जाता है तो मैं कहता हूँ कि राशन की जो कॉस्ट आती है वो आनी चाहिए, लेकिन राशन बटने के लिए जो फैंसी झोले आते हैं
उन फैंसी झोलों पे जो जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें छपती हैं, इनका क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है। हर सरकारी विभाग में आप देखिए कि जब 5 साल पे सरकार बदलती है तो प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति जी की और स्टेट में मुख्यमंत्री जी की फोटोएं लग जाती हैं। अगर आप 51 से लेकर के आज तक जोड़ लीजिए, हजारों करोड़ रुपया खाली इन फोटो पे खर्चा हो चुका होगा, जबकि इन फोटोज का सरकारी काम से कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार की तरफ से कोई चीज दी जा रही है, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो फ्री की स्कीमें अपनी तरफ से नहीं देती, अपने पार्टी फंड से नहीं देती हैं, वो सरकार के खजाने से देती हैं। तो जब कोई चीज सरकार के खजाने से बांटी जा रही है तो उस पर सरकार का लोगो लगा होना चाहिए, सरकार का लोगो प्रिंट होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का या किसी और जनप्रतिनिधि का, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि उसका कोई अस्तित्व नहीं है जी। वो उस कुर्सी पर बैठा है और वो कुर्सी किसी चेहरे की नहीं है और कुर्सी का कोई चेहरा नहीं होता है। तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना है तो सरकार का लोगो लगाइए, भारत सरकार का नाम लिखिए, भारत का झंडा लगा दीजिए, भारत का लोगो है वो लगा दीजिए, लेकिन वो नहीं लगता है। और हर सरकारी विभागों में जो मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति जी की फोटो लगी होती है, इस फोटो का भी सरकारी कामकाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये अनुमान लगाता हूं कि इन फोटो लगने पे, फोटो के छपने पे अब तक टैक्स पेयर्स के पैसे का हजारों करोड़ रुपया चला गया होगा, और इसका 1% का भी बैलेंस रेट अगर कोई मुझे बता दे तो मैं मान जाऊंगा। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि इस समय बैठा हो वो बता दे कि इन फोटो के लगने से आम जनता को क्या फायदा होता है, ये सरकारी योजनाओं में क्या एडिशन हो जाता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होता है। नेहा जी भी जुड़ चुकी है, नेहा सिंह समाज सेवी है। तो नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप गृहिणी हैं और गृहिणी का एक रोल होता है गृहस्थी और बजट के बीच तालमेल बैठाना, तो इस वक्त महंगाई के दौर में कितना महंगा हो गया है ये? जी देखा जाए तो इस समय बहुत महंगा हो गया, और एक गृहिणी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि आज के समय में इस बजट में अपना घर चलाना, पूरा महीना चलाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैं एक समाज सेवी भी हूँ, मेरी अपनी संस्था भी है, उसके थ्रू भी हम लोग गांव-गांव में जा करके शहरों में इस कोरोना काल में हमारी संस्था ने और हमने बहुत काम किया, और कहीं ना कहीं ये चीजें देखी है कि जनता कितनी त्राही त्राही हुई है। लगभग 1.5 साल से कोरोना काल में हमारी जो देश है कि उसकी महंगाई ने तो कमर तोड़ दी, साथ के साथ लोगों के पास ना तो खाने के लिए, और कहा जाए कि खाना तो खाना, रहना और जीना ही मुश्किल हो गया था। तो आज इतनी जो महंगाई हुई है, वो चाहे गैस को लेकर कहें, चाहे सब्जी को लेकर कहें, चाहे किराए को लेकर के कहें, चाहे ट्रेन के किराए को बात करें, हम बस के किराए की बात करें, हम दूध की बात करें, हम प्याज की बात करें, हम किसी भी चीज की, किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी महंगाई है कि एक आम इंसान अगर वो 50,000 रुपए भी महीने कमाता है तो मैं समझती हूँ उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये घर चलाना, उसमें अपने बच्चे की फीस देना, दवाई देखना। मैं एक महिला हूँ तो मैं सोचती हूँ जब मैं इतना करती हूँ तो मेरे लिए इतना मुश्किल है, तो ये एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कठिन समय है। नेहा जी जिस तरह से ये परेशानी का दौर भी है, कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और ऐसे में उनकी आम जरूरतें भी रही हैं, बच्चों की पढ़ाई भी रही है, तो लोगों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा, और खास तौर से बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि वो भी महंगी हुई है। बिल्कुल, मेरी बेटी भी ऑनलाइन सोचे कि केजी में पढ़ती थी और ऑनलाइन उसने परीक्षा दी, लेकिन हमने पूरे साल की लगभग फीस जो है ऑनलाइन होने के बावजूद सारी फीस हमने उनको दी, क्योंकि स्कूल वालों ने कहीं से भी ऑफ नहीं किया कि हम बच्चों को जो है व्हीकल का भी जहां तक है हमने उनको दिया, तो स्कूल वालों की तरफ से कोई हमें छूट नहीं मिली। और अगर हमारे हस्बैंड या कोई सर्विस ना कर रहे हो और इस तरह की कोरोना काल में इतनी कठिन परिस्थितियां रही हैं कि देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल रहा, ये मेरे लिए भी बहुत ही कठिन समय रहा। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं शिक्षा भी जो थी वो थी जरूर घर से, हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन पूरी फीस हमने दी है, और ये बहुत कठिन समय उनके लिए जिनकी इस कोरोना काल में नौकरी चली गई, उन्होंने किस तरह से अपना ये समय काटा होगा, ये बेहद चिंताजनक था समय जी। और जो कि अभी चल रहा है, बहुत सारी अभी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकाला है और उन्हें दोबारा रखने का भी नहीं सोचा है, और तनख्वाहें भी पहले से काफी कम कर दी गई है प्राइवेट सेक्टर में, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी मुश्किलें हैं जो लोग झेल रहे हैं। नेहा जी जिस तरह से सब चीज में महंगाई बढ़ी है, वैसे ही सब्जी और दाल, तेल, खाद्य तेल, इसमें भी बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से दाल में हमारे पास विकल्प है, सब्जियों में हमारे पास विकल्प है, लेकिन जब तेल महंगा हुआ तो इसका क्या विकल्प रहा?
इसका कोई विकल्प नहीं रहा, व्यक्ति ने बस इतना जरूर है, जहां 200 ग्राम डालता था 100 ग्राम डालता था, वो छोटी चम्मच डालता है, जरूर है, क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी है कि हमें खाना है और जीना है, तो जब जीना है तो खाना है, चाहे हम अपनी चीजों को, जरूरतों को हमने समेट लिया है, कह सकते हैं कि हमने अपनी जरूरतों को थोड़ा सा कम कर लिया है, लेकिन हम खा रहे हैं क्योंकि जीना है तो खाना है, लेकिन हमने अपनी जरूरतों को समेट लिया है उन कम चीजों में। और तेल के दाम देखे जाएं तो पहले से भी कितने ज्यादा है, गैस के दाम कितने ज्यादा, रसोई तो पूरी तरह से डबल हो चुकी है, महंगी हो चुकी है, चाहे आप प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, गैस की बात करें, तेल की बात करें, आप पहले के दाम ले लें और आज के दाम ले लें, कोरोना काल में भी सारी चीजें डबल ट्रिपल महंगी हो चुकी है, लोगों ने घर से चीजें करना पड़ रहा है। अब हम गौरव जी आपके पास आते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लेकिन चुनाव आते ही महंगाई कहीं गायब सी हो जाती है, पेट्रोल डीजल के दाम जो कभी कम नहीं होते, हमेशा बढ़ते जाते, वो कम हो जाते हैं, आखिर कैसे, क्या रिश्ता है महंगाई और चुनाव में? चूंकि वोट की राजनीति है, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए कि हमारी सरकार काम कर रही है, ऐन वक्त पर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाते हैं, और ये दाम केवल कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे चुनाव होता है, परिणाम आते हैं, फिर धीरे धीरे दाम बढ़ते जाते हैं। अभी दिलीप जी ने बताया था, बिल्कुल सही बात कही थी, कि एक बार दाम बढ़ने के बाद दाम पूरी तरह से कम नहीं होते हैं। एक बार उनको समर्थन करूंगा कि पेट्रोल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं उसके हिसाब से दाम तय होते हैं। पहले क्या होता था कि जो तेल कंपनियां हैं हमारे यहाँ की, वो दाम तय करती थी, तो कभी कभार बढ़ता था, अब दाम डेली देखा जाता है, डेली उसमें उछाल आता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, कम तो कभी नहीं आता है, कम आता भी है तो 10 पैसे 20 पैसे का आता है, पर अगर उछाल आता है ज़्यादा का तो 1 रुपये 1.5 रुपये 35 पैसे 40 पैसे 50 पैसे इतना वहाँ पर उछाल आता है। अगर बात करें कीमतों की, तो कीमतें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती है तो उसका लाभ भी यहाँ नहीं मिलता है। दिलीप जी ने कहा, बताया, बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जब पिछले बार कोरोना था तब लॉकडाउन के समय पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गई थी, बहुत कम रेट पर जो बैरल था वो आ गया था, उसके बावजूद भी तेल कंपनियों ने दाम कम नहीं किए। यही बात मैं कर रहा हूँ कि कुछ नीतियाँ ऐसी बनानी पड़ेगी, कोई एजेंसी ऐसी बनानी पड़ेगी जो इन चीज़ों को देखे कि अगर दाम कम हो रहे हैं तो उसका लाभ जनता को मिले, पर नहीं मिला, पिछले बार भी ऐसे हुआ, और अब लगातार दाम बढ़ रहे हैं, चाहे रसोई गैस की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल कीमतों की बात करें, और इसका जो जिसका जो प्रभाव है वो सब पे पड़ता है, मना पता है, माल भाड़ा भी बढ़ेगा। अब आम अगर आदमी जरूरत माने तो आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान, ना आप रोटी खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ना कपड़ा खरीद सकते हैं, मकान तो भूल ही जाइए। अब अगर मकान की बात कर लें तो सरिया की रेडी वर्गर, जो सरिया कुछ समय पहले 5,000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा था, वो 6,500 प्रति क्विंटल मिल रहा है जी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार ने महंगाई बढ़ाई है लेकिन विकास भी किया है, तो विकास के साथ साथ तो महंगाई बढ़ेगी, कब महंगाई नहीं रही है, हर दौर में महंगाई रही है, इसमें कितना सही है कि ये बात? विकास अपना अलग ढांचा है और महंगाई का अलग ढांचा है, जनता आपको टैक्स दे रही है, उस टैक्स के माध्यम से आप जनता को का विकास करते हैं, इंफ्रा मजबूत करते हैं, तमाम सुविधाएं देते हैं, मेट्रो चलाते हैं, तमाम सुविधाएं आपके द्वारा की जाती है, पर टैक्सेस का पैसा समुचित तरीके से खर्च हो और सही तरीके से खर्च हो, जैसा कि दिलीप जी ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा कि जिस तरह से विज्ञापन किए जा रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो उस पैसे का भी आप समुचित उपयोग कर सकते हैं। और जनता से जो टैक्सेशन है लगातार मांग की जाती रही है, व्यापारी भी लगातार मांग करते रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल की रेट है वो जीएसटी में आए, जीएसटी में आने से एक बात साफ हो जाएगी, एक पूरे देश में इक्वल दाम रहेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, जो राज्य हैं वो भी अपना बैट अपना एडजस्ट कर सकेंगे। अब राज्य जो उन्होंने कहा कि राज्य चाहें तो बैट कम करके अपना उनका जो पेट्रोल की जो उनका राज्य टैक्स है उसको कम करके और जनता को राहत दे सकते हैं, पर यहाँ पर कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा है। अब चुनाव आएंगे तो थोड़ा बहुत लाभ दे दिया जाएगा, पर लाभ वो लाभ भी है, मान लीजिए कि अस्थाई लाभ है जी। दिलीप जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत ज्यादा खर्चे करे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, जब चुनाव होते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, कई दौरे होते हैं, दौरों में भी खर्च होता है, तो अगर इन पैसों को ही बचा लिया जाए और अगर महंगाई को कम कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स लेती है सरकार ताकि देश का विकास किया जा सके, लेकिन देखा जाता है कि इन्हीं पैसों से ये सारे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे होते हैं, तो क्या इन दोनों में तालमेल बैठा के क्या महंगाई कम नहीं हो सकती है? बिल्कुल कम हो सकती है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन पैसों को पब्लिक वेलफेयर के नाम पर, गरीबी उन्मूलन के नाम पर खर्चा होते सरकार के खातों में दिखाया जाता है, उन पैसों को आप खर्चा करना बंद कर दीजिए और उस पैसे को जनता के बेनिफिट के लिए कहीं कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगा दीजिए। जिस तरीके से फ्री की स्कीमें बांटी जाती है, उस तरीके से अगर लोगों का भला होना होता तो आज 75
70 सालों में लोगों का भला हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य यह है शिखा जी कि जो व्यक्ति 1951 में गरीबी रेखा के नीचे था, आज 2021 में भी वही व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब हुआ कि सरकार की जो स्कीमें हैं वो सिर्फ दिखावे की हैं। हमारे टैक्सपेयर का पैसा जो निकलता है, नहीं, मैनेजमेंट सही है, मैनेजमेंट सही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अपने हित के लिए सही है, क्योंकि सरकार के खाते का बहुतायत पैसा राजनीतिक पार्टियों के अपने फायदे के लिए जाता है। मैं एक नहीं 10 चीजें आपको गिना दूंगा। पहला, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का दौर उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है और भारत एक ऐसा देश है जहां पूरे साल किसी ना किसी रूप में इलेक्शन चलते हैं, कभी किसी राज्य में चलते हैं, कभी नगर निगम भी चलते हैं, कभी पंचायत के चलते हैं, कभी बाईपोल चलते हैं, कभी राज्यसभा के चलते हैं, कभी लोकसभा के चलते हैं। पूरा साल इस देश में इलेक्शन किसी ना किसी रूप में होता रहता है और जब इलेक्शंस होते हैं तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े मंत्री ये जाते हैं चुनाव का प्रचार करने। जब ये चुनाव का प्रचार करने जाते हैं तो उनके आने जाने का जो खर्चा होता है वो सरकारी खाते से होता है, उनका जो प्रोटोकॉल लगता है वो सरकारी मशीनरी का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस लगती है हफ्ते भर पहले से जो इंतजाम होते हैं वो सब के सब सरकारी खर्चे पे होता है। लेकिन उस प्रोग्राम में प्रचार किसका होता है? पार्टी का अपना प्रचार होता है, इलेक्शन का प्रचार होता है। इसका भारत की जनता से क्या लेना देना है? लेकिन ये सिस्टम चला आ रहा है। इस सिस्टम पर मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे देश के खजाने का 25-40% पैसा खाली इसी चीज पर खर्चा होता है। अगर इस चीज को रोक दिया जाए, मैं तो ये कहता हूं कि जब एक सरकारी व्यक्ति किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सेदारी नहीं ले सकता है तो सरकार के पद पर बैठा कोई भी जनप्रतिनिधि जो मंत्री पद लेकर के बैठा है, भारत का संविधान भी ये कहता है कि जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, किसी भी विभाग के मंत्री हैं, वो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव दोनों का पार्ट होते हैं। तो जब वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं, तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होने के नाते वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ले ही नहीं सकते हैं कानूनी रूप से, लेकिन वो लेते हैं और लेते हैं सरकार के पैसे पे लेते हैं। तो सारा पैसा तो निकल के यहां जा रहा है ना, और फिर आप गरीबों को ऊपर उठाने के नाम पर फ्री बांटते हैं, वो फ्री भी आप सरकार के खजाने से देते हैं, उसका लाभ किसको मिलता है? राजनीतिक पार्टी को मिलता है। और वो जो फ्री आप बांटते हैं उससे उस व्यक्ति का कोई भला नहीं होता है, बट हमारे पैसे से 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए में आप एक वोट खरीद लेते हैं। एक वोट की कीमत हम जैसे लोगों को अपना पेट काट के देनी पड़ती है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि आदमी की जरूरत रोटी कपड़ा और मकान होती है, ये पुरानी बात हो गई। आज के डेट में रोटी कपड़ा और मकान और दवाई ये चौथी बेसिक नेसेसिटी हो गई है। आज कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसकी कमाई का 10-25% हिस्सा खाली मेडिकल में ना जा रहा हो, चाहे वो डॉक्टर के जा रहा हो, चाहे वो दवाइयों में जा रहा हो, चाहे वो टेस्टिंग पर जा रहा हो। क्योंकि आपका जो पीने वाला पानी है, जो देना सरकार की जिम्मेदारी है, वो हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है, हवा हमारी खराब होती चली जा रही है, तो हम अल्टीमेटली बीमार हो रहे हैं। नेहा जी, जिस तरह से टैक्स तो भरपूर मात्रा में लिया जा रहा है, बल्कि ज्यादा ही लिया जा रहा है, लेकिन जनता को उसका कितना लाभ मिल रहा है? हेलो जी, जी मैं अपना सवाल दोहराऊंगी। जिस तरह से भरपूर मात्रा में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने की सरकार कोशिश कर रही है और ये भी कहा जाता है कि विकास होगा, तो आखिर कितना विकास हो रहा है? गरीब तबके तक टैक्स का कितना लाभ मिल रहा है? जी मुझे तो नहीं लगता कि गरीब तबके को भी जरा भी टैक्स का कोई लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो गरीब जहां था वहीं पर है। और देखा जाए तो कोरोना काल में स्थितियां और ज्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ा वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के मजदूरों को ही करना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि जो सारी योजनाएं सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा आती हैं वो हमारे गरीबों को मिल पाती हैं, जो मैं अपनी नजर से देख पाती हूँ। क्योंकि हमारी जो संस्थाएं या हम लोग जो हैं, जब हम लोग राउंड करते हैं, जब हम चीजें सामने नजरों से देखते हैं, तो हमें तमाम ऐसे लोग मिलते हैं, हमें बहुत सारे किसान मिलते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमें प्लीज हमारा ये कार्ड बनवा दीजिए, हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारी ये योजना के तहत हमें कोई फायदा हो जाए। तो जब मैं ये चीजें जमीनी स्तर पर देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा लोगों को कहीं कोई फायदा मिल पाता है। फसल बर्बाद हो जाती है बारिश की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से सब्जियां महंगी हो जाती है, लेकिन गरीब किसानों तक इसका कितना लाभ पहुंचता है महंगाई का? जी महंगाई का कोई लाभ ही नहीं पहुंचता, महंगाई का क्या लाभ होगा? देखा जाए तो मैं जी से मैं सवाल कर रही हूँ, अभी आपके पास आती हूँ। जी
रहे हैं कि धान का सीजन है, उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं या क्या उनको फायदे मिल रहे हैं, किसान से बेहतर तो कोई नहीं बता पाएगा। तमाम ऐसे किसान हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी चीज है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जब फसल बेचने जाएंगे तो हमें इसका मुनाफा मिलेगा। मुनाफा छोड़िए, उन्हें उनकी लागत ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग किसान गोष्ठी वगैरह की है, उसमें हमने जानकारी प्राप्त की, तमाम ऐसे किसानों से मिले, तो जो वो लागत लगाते हैं, आप जैसे डीएपी की बोरी ले लीजिए या जो भी चीजें वो लोग डालते हैं अपने खेतों में, दवाइयां तमाम तरीके की चीजें, वो उनको उसकी लागत नहीं मिल पाती है, तो वो क्या बेचारे महंगाई यूज करेंगे, उनको मुझे नहीं लगता उन्हें कोई सुविधाएं कोई फायदे मिल रहे हैं। जी नेहा जी, मैं आपके पास आती हूँ। गौरव जी, आपका क्या कहना है इस पे? देख, किसान निधि मिलती है, किसान बीमा योजना भी है, तमाम तरह से फसलें बर्बाद होती है तो सरकार मुआवजा भी देती है, पर ये फिलहाल तो किसानों के लिए नाकाफी है। भाई, हमारे देश में किसान की जो आबादी है, किसान बहुल क्षेत्र है, उसकी आबादी और उनकी संख्या है लगभग 60% है। 60% लोगों को मुआवजा दे पाना, 60% लोगों के जीवन के स्तर को समान सुधार पाना, ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने हमेशा से रही है और आज भी चुनौती है। क्योंकि अगर फसलों की बात करें, चाहे रेट की बात करें, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों से रेट कुछ और लिए जाते, सब्जी किसी रेट बेची जाती है और वो बाजार में आते आते जमाखोरी की नीति है नहीं, वो आते आते जो जो टमाटर, जो लौकी या जो सब्जी 5 रुपए किलो ली जाती है, वो बाजार में आते 30 रुपए किलो बिकती है। तो किसान को तो लाभ मिला नहीं। लाभ किसको मिला? जो बीज के जो आपकी चैन है, लाभ उनको मिल रहा है। आम जनता पिसी जा रही है क्योंकि वो 30 रुपए का उसको खरीदने तक मजबूर है। मैं बता रहा, पिछली बार कोरोना की हम बात करें तो कोरोना काल में कुछ सब्जियों के, कुछ खाद्य पदार्थों के निर्धारण किए गए थे जिससे कि आपको जनता परेशान ना हो और लोग इससे ऊपर ना बेच पाएं, उसके बावजूद भी बेचा गया। इस समय वो हालत थी, इस समय लॉकडाउन किया गया, पर वो जो नीति पिछली बार बनाई थी कुछ हद तक उससे जनता को लाभ मिला था। इस बार कोई नीति नहीं लाई गई, सब वही स्थिति चली है। आपको, आपने भी देखा होगा कि नींबू से लेके किवी से लेके ऑरेंज जूस से लेके हर चीज़ अपने रेट पे बिकी है, जिसने जो बेचना चाहा वो रेट बेचा है। क्यों नीति नहीं बनाई गई? आप सरकार चला रहे हैं, आप व्यवस्था चला रहे हैं, आप एक नीति क्यों नहीं बनाते हैं? चाहे औषधि की नीति की बात कर लें, अब मैं औषधि नीति की बात कर लूँ तो प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना चल रही है। आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना चल रही है, जो मेडिकल स्टोर खुले हैं वो अपने मनमाने रेट बेच रहे हैं, वो जनऔषधि की दवाई ही नहीं बेच रहे हैं, वो अपनी दवाई बेच रहे हैं, कोई उनके ऊपर कोई नीति नहीं है, कोई उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। तो मैंने वही कहा कि आपको चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे औषधि की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल कीमतों की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, आपको ये नीति बनानी पड़ेगी। नीति बनानी पड़ेगी, उनका फॉलोअप करना पड़ेगा और आम जनता से उसकी राय लेनी पड़ेगी और प्रॉपर समीक्षा करनी पड़ेगी। भाई, आपने तो नीति बना दी। अब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि खाद्य भंडारण की नीति बनाई जाए, प्रॉपर तरीके देखा जाए, जमाखोरी पर लगाम लगाया जाए, पर लगाम लगाएगा कौन? क्योंकि जो अधिकारी लगाम लगाते हैं वही उनमें मिले हुए हैं, लगाम लगती नहीं है और पिसती आम जनता है। तो मैंने वही बताया कि आपको नीतियां बनानी पड़ेगी और उनकी तरीके से प्रॉपर तरीके समीक्षा करनी पड़ेगी, तभी आम जनता को उनको लाभ मिलेगा। आपने बताया जिस तरह से फीस की नीति बता रहे, ऑनलाइन पढ़ाई गई तब भी फीस ली गई, खूब फीस ली गई, कोई नहीं, कोई गवर्नमेंट बताती रही हाँ नीति ला रहा है, नीति ला रहा है, तमाम स्कूलों को कहा गया, नोटिस जारी किए गए, पर होता है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, धाक के तीन पात, स्कूल मानते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, कोई आदेश नहीं होता है, उनसे जवाब मांग लेता, नोटिस भेज देता, जवाब दे देते हैं और जो आम जनता है उसको कोई लाभ नहीं पहुंचता है। अभिभावक परेशान होते रहते हैं, शिकायतें होती रहती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, पर होता कुछ नहीं है। तो भाई, मैं बताया कि अगर आप आम जनता को लाभ देना चाहते हैं तो सरकार को कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी, कुछ स्वतंत्र एजेंसियां बनानी पड़ेगी जो उसमें काम करें और प्रॉपर समीक्षा करें और देखें कि कहां पर जनता पिस रही है, उसको कहां पे निदान दिलाना है। जी दिलीप जी, जिस तरह से राजनीति काफी देखने को मिलती है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही, कई बार ट्विटर पे भी राजनीति देखने को मिली है और विपक्ष कहता है कि ये सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, हम सत्ता में आएंगे तो हम जो है महंगाई को कम कर देंगे। हालांकि बीजेपी भी सत्ता से आने से पहले ये वादे करती थी कि महंगाई बढ़ गई है, कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी है, हम आएंगे तो कम कर देंगे, लेकिन देखने को कुछ और मिल रहा है। तो राजनीति पे क्या कहेंगे? राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए होती है, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं, सर्वविदित है कि राजनीतिक पार्टियां प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करती हैं। और ये मैं कहता हूं जी, जनता को समझने की जरूरत है। अगर आप वाकई में महंगाई को कम करना चाहते हैं तो महंगाई को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सरकारी खजाने की लीकेज को रोक दीजिए, जो व्यर्थ में पैसा जाता है उसको रोक दीजिए, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। और आप जनता के फायदे के लिए देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो उस देश के बिजनेसमैन से एस्टेब्लिश होती है। बिजनेसमैन
तब ग्रो करेगा जब सरकार की तरफ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार करने के लिए उसको सुविधाएं मिलेंगी। आप देखिए कोरोना काल में सरकार ने बिजनेसमैन पर ये व्यवस्था तो थोप दी कि आप किसी इम्प्लॉय को निकालेंगे नहीं, सबको सैलरी देंगे, लेकिन सरकार ने इतने कई महीने लोगों की फैक्ट्रियां बंद रही, लोगों की दुकानें बंद रही, लेकिन बिजली के बिल में एक रुपए की कमी नहीं करी। तो आप व्यापारी को सपोर्ट नहीं देंगे, व्यापारी से आप पूरा कंप्लायंस कराएंगे। आज अगर किसी एक व्यापारी को फैक्ट्री लगानी हो तो 50 तरह की कंप्लायंस उसको करनी होती है, यहाँ से एनओसी लाइए, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, यहाँ की कंप्लायंस कराइए, यहाँ का मतलब पैसा लगा करके वो व्यापार को शुरू कर सकता था, उतना पैसा तो उसको कंप्लायंसेस को करने में लग जाता है, तब जाकर के कहीं वो व्यापार शुरू करने की स्थिति में आता है। कंप्लायंसेस में जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो अलग है, जो दौड़ा भागी है वो अलग है, और उसके अलावा जो टेबल के अंदर से चलता है वो सर्वविदित है। बिल्कुल। तो व्यापारी को आप इनकरेज नहीं करते हैं। व्यापारी ग्रो करेगा तो वो रोजगार भी बढ़ाएगा, वो सरकार के खजाने में टैक्सेस भी बढ़ाएगा। लेकिन आप क्या है कि आप देने वालों को, एक बड़ा सवाल और ये है कि जहाँ कोयले की दिक्कत भी सामने आ रही है तो उसको देखते हुए वैसे भी यूपी में सबसे महंगी बिजली है, बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे ऐसी संभावना दिख रही है, तो क्या इस टॉपिक पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए? आने वाले समय में चुनाव है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे, तो सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए? क्यों नहीं देखिए, महंगाई को रोकना, जनता को सुविधाएं देना, ये सुरक्षा देना, स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, यही सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि इसीलिए यहाँ से चुन करके जनता के बीच संसद तक पहुंचाया जाता है कि वो जनता की समस्याओं को कम करेगा। यहाँ जो हमारी मूलभूत समस्याएं थी वो मूलभूत समस्याएं एज इट इज है, बल्कि हमारे देह पर प्रहार और बढ़ता चला जा रहा है। बिजली महंगी चली होती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने से कोरस्पॉन्डिंग सारी चीजों के दाम बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होगी तो वो आगे महंगाई बढ़ेगी, वो महंगाई बढ़ेगी तो वो चीजों पे असर डालेगी। तो एक चीज के दाम बढ़ जाने से, अगर मान लीजिए बिजली का ही दाम बढ़ जाता है, तो हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हमें 10 पैसा 20 पैसा 4 पैसे से फर्क ऐसे अपेरेंटली नजर नहीं आता, लेकिन वो 10-20-4 पैसे का फर्क होता है, वो अरबों में जाकर के रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। तो सरकार को ये जरूरत है कि आप चीजों को रोके। आप देखिए सरकारी विभागों में बिजली का कितना मिसयूज होता है, कितना मिसयूज होता है। बिल्कुल। पूरे पूरे दिन एसी चल रहा है, लाइटें चल रही है, नहीं है पंखा चल रहा है, अधिकारी कमरे में बैठा है नहीं बैठा है, लेकिन एसी चल रहा है, क्योंकि उसको पीछे से कुछ कहना नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, वहां लाइटें लगी है, पूरा दिन भर लाइटें जलती रहती है, लेकिन आम जनता के ऊपर बोझा डाला जाता है, क्योंकि वहां जो मिसयूज हो रहा है वो उस मिसयूज की कॉस्ट कौन भरता है? आम जनता भरती है। कि आखिर जो गलतियां हो रही है सरकार की वजह से, चाहे अनजाने में ही, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेहा जी मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जो कमियां देखने को मिल रही जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो क्या आखिर किस रोड मैप पे काम करना चाहिए जिससे आने वाले चुनाव में भी जो मुद्दा तो रहेगा ही महंगाई, लेकिन किस तरह से सरकार को मदद मिल सके? मैं सबसे पहले बात ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर सरकार को थोड़ी सी भी अगर महंगाई कम करनी है तो कहीं ना कहीं उन्हें समीक्षा बहुत निजी स्तर पर कह सकते हैं करनी होगी, क्योंकि जो चीजें हैं वो आम इंसान तक नहीं पहुंचती हैं। वो जो अगर सरकार करती भी है सुविधाएं या योजनाएं, उनका लाभ हमारे आम जन इंसानों को नहीं मिल पाता। वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि जो हमारे अधिकारीगण हैं, अगर उनकी समीक्षा की जाए, उनके काम की समीक्षा की जाए, जमीनी स्तर पर चीजों को देखा जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा और उसका लाभ मिल सकेगा। साथ के साथ उन्हें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हमारे जो नवयुवक हैं, इस समय बेरोजगारी आप समझ सकते हैं चरम पर है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ जॉब है नहीं और लोगों की जो जगह है वो खाली है, तो कहीं ना कहीं उसे भी भरना चाहिए और हमारी समाज में एकजुटता लाने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं हम सबके लिए, अपने देश के लिए आगे आना चाहिए और हम सबको एकजुटता में जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं सारी चीजें एकदम शीशे की तरह साफ होनी चाहिए, जमीनी स्तर पे सब चीजें देखनी चाहिए और समीक्षा होनी चाहिए कि अगर अधिकारी को कहा गया है तो वो ये चीजें कहाँ तक पहुंची, ये सारे जो भी काम कहे जा रहे हैं वो हो भी रहे। जैसा कि अभी बात की किसानों की, कि अगर किसानों की बात की जाए तो एक किसानों को मुनाफा मिलता है, फायदा मिलता है,
अगर चीजें बिचौलियों तक, बीच वाले लोगों तक ही पहुंच के रह जाती हैं, तो हमारे जो किसान भाई होते हैं, जो गरीब सबके लोग होते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। आप बात कर लें पल्लेदार की, जो मंडी में काम करता है, मैं एकदम निजी एकदम छोटे इंसान के पास जाऊंगी तो आप समझिए, पहले उसको 1 रुपए बोरी मिलता था, आज उसे 2 रुपए बोरी मिलता है, तो उसे कहाँ से फायदे मिल रहे हैं? कौन सी उसके लिए कोई योजनाएं हैं? कौन सी ऐसी फायदे या कौन सी मैं कहूँ कि उसके लिए सुख सुविधाएं हैं? तो छोटे इंसान से लेके बड़े इंसान तक सरकार को सबको एक नजर में रखते हुए और सारी सुविधाओं को देखते हुए समीक्षा करनी चाहिए, बना के काम करनी चाहिए ताकि हर तबके तक सारी सुविधाएं पहुंच सके। जी गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगी लास्ट कमेंट के लिए। जिस तरह से जनता आधी हो रही है महंगाई की, अब जनता भी मानने लगी है कि हर दौर में महंगाई थी, क्या होता है हम सह लेंगे, हम अभी भी यही सरकार चुनेंगे। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि नहीं, सरकार ठीक है विकास कर रही है, महंगाई बढ़ाती रहे, तो क्या सरकार भी इसी ओर काम कर रही है? आपका क्या कहना है? देखिए बताओ, सरकार तो काम कर रही है, मैंने पहले कहा सरकार की योजनाएं हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी नेहा जी ने बताया कि क्रियान्वयन होना जरूरी है, आम जनता तक पहुंचना जरूरी है। सरकार ने कोई गाइडलाइंस बना दी, सरकार ने शासनादेश दे दिया, उस शासनादेश की समीक्षा होनी चाहिए, उस शासनादेश का फॉलोअप होना चाहिए। किसी भी नीति पर बात कर लीजिए, किसी भी शासनादेश पर बात कर लीजिए, वो पहुँचता है, उसका निर्धारण नहीं होता है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है कोई जानकारी नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं होता है, जिसके कारण वो जो योजना है वो पात्रों तक पहुंच ही नहीं पाती है और उसका लाभ अपात्र लोग ले जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो उन्होंने आपने कहा कि किस तरह से इसको देखा जाए और कहते हैं इसको आप क्रियान्वयन किया जाए। देखिए, नीतियां बनानी पड़ेगी, समीक्षा करनी पड़ेगी, अधिकारियों को इसके लिए आपको निर्देशन देना पड़ेगा कि भैया ऐसा ऐसा होना है, एक प्रॉपर चेन डेवलप करनी पड़ेगी कि बेहतर तरीके से जनता को आराम मिले और महंगाई से निजात मिले। क्योंकि आज के समय में महंगाई एक यक्ष प्रश्न हो चुका है। यक्ष प्रश्न इसलिए क्योंकि इसका कोई उपाय फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। जनता प्रश्न पूछना नहीं चाहती है, वो उसी स्थिति से डरती चली जा रही। कहते हैं ना कि अमीर को जरूरत नहीं है, मध्यम को काम से और मेहनत से फुर्सत नहीं है, और गरीब में हिम्मत नहीं है। जो बात कही गई कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब तक जनता पूछेगी नहीं कि हमारे हितों के लिए क्या किया। आप हाउस टैक्स की बात कर लीजिए, आप वाटर टैक्स की बात कर लीजिए, वाटर टैक्स आप ले रहे हैं, पानी गंदा दे रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब पानी गंदा आता है, आमजन बीमार होते हैं, उनका बीमारी में खर्चा होता है, और अलग से जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी बोझा पड़ता है, डॉक्टर भी परेशान होते हैं, तो तमाम चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं। तो जो जिसकी जिम्मेदारी है उस अधिकारी की जिम्मेदारी का समीक्षा होना चाहिए कि पानी का अगर खराब आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसकी गंदे पानी की जो समस्या है उसको हल किया जाना चाहिए, पर होता कुछ नहीं है। तो वही मैंने आपको बताया कि अब आने वाले समय में अगर वास्तव में जनता को इस महंगाई से, इन समस्याओं से जो मूलभूत आवश्यकता है उससे निजात दिलानी है, तो आपको समीक्षा भी करनी पड़ेगी, आपको अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अगर पानी खराब आता है, गंदा आता है, या स्वास्थ्य सुविधाएं खराब होती है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। शासनादेश जारी करने से आप लगाम नहीं लगा सकते हैं, महज नीतियां बनाने से। छोटे छोटे क्षेत्र में ध्यान देना होगा सरकार को, जिसके बाद ही महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है, और ये बहुत जरूरी है। तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ना ही महंगाई कम होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी अर्थशास्त्री जुड़े थे, गौरव श्रीवास्तव जी ब्यूरो से जुड़े थे, और नेहा सिंह जी हमारे साथ समाज से भी जुड़ी थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंगाई अपने चरम पर है और इसको कम करने के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं देख सकती है जो कुशल है, जो इस क्षेत्र में अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद ही खाना खा पाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उसमें भी महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई लोग बेमौत ही मर जाते हैं, कई लोग पीड़ित तो होते हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, घायल होते हैं, वो अस्पताल का खर्च नहीं उठा पाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो महंगाई की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने में उन चीज़ों का चयन करते हैं जो कि या तो पौष्टिक नहीं है या फिर जो है जो सस्ती है। तो तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान इसलिए भी देने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और ये चुनावी मुद्दा है। कई बार जनता सिर्फ उन लोगों को और इस धर्म के माध्यम से या फिर राजनीति के माध्यम से या फिर कुछ ऐसे मुद्दे देख के जिसमें कि जाति आती है, धर्म आता है, इन सब चीजों को देखते हुए वोट दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा विकास और महंगाई है जो कि सभी को प्रभावित करती है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।